डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट लेक्चर 154 जो लेक्चर नंबर था उसमें हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सिमिलर क्वेश्चन 155 भी है। जो है क्या डिफरेंस है अभी हम बताते हैं आपको, इसको समझिएगा ठीक से। देखिए लास्ट जो 154 लेक्चर था उसमें ये क्वेश्चन हम इस तरह से बनाए थे कि स्क्वायर प्रिज्म हैविंग बेस विद 30 mm साइड एंड 75 mm लॉन्ग एक्सिस हैज एन एज ऑन द एचपी। एज जो है कहां पे था, एचपी पे था। यहां पे पिछले क्लास में था हमारा एज ऑन एचपी, एज ऑफ बेस ऑन एचपी, इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू बीपी एंड 45 डिग्री टू एचपी। तो हमने ये वाला बताया था, हम बताया था क्वेश्चन में कहीं भी एज दे दे तो ये बनाना है। ये तो स्क्वायर प्रिज्म में तो स्क्वायर लिए थे, लेकिन यदि हेक्सागन रहता तो ये वाला हेक्सागन बनाते। यदि क्वेश्चन में एज लिखा है तो ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन में आज ये लेक्चर नंबर 155 में एज की जगह पे हम लिख देते हैं कॉर्नर, क्या लिख देते हैं, कॉर्नर ऑफ द बेस, कॉर्नर ऑफ बेस ऑन एचपी, बस क्वेश्चन चेंज हो गया। तो अब कौन सा बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा, बनेगा या नहीं, ठीक है ना। तभी तो ये जब हम इंक्लाइन करेंगे ठीक है ना, तो ये ऐसे कॉर्नर आना चाहिए, ध्यान रखिए ये क्या आएगा, कॉर्नर आ रहा है, ध्यान दीजिए आ रहा है कॉर्नर, ठीक है। तो ये कॉर्नर आना चाहिए हमारा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए ये आ रहा है कि नहीं कॉर्नर, ठीक है। तो यहां पे कॉर्नर आएगा तब यहां पे बेस क्या हो जाएगा, अब बदल जाएगा, ठीक है। यहां पे ये जो बना है अब यहां पे कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हम बना करके बताते हैं आपको, ये तो अभी बेस वाला और उसके बाद क्या लेंगे, कॉर्नर वाला लेंगे। कैसे लेंगे, थोड़ा सा समझिएगा इसको, मजा आएगा। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो प्रोजेक्शन से रिलेटेड, तो क्या बताएंगे आपको, एक्स वाई लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है सर, हम समझ रहे हैं। अब कॉर्नर वाला है, अब हम तो सिंपल बनाते चले और आप समझते चले, तो हमारा काम, हम दोनों का काम जो है चलता चले। देखिए यहां पे कॉर्नर वाला है, तो ये कॉर्नर वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन गया, ये बना सकते हैं ना, क्योंकि यहां से A45 दोनों लेकर के, और क्या है ये प्रिज्म है, ठीक है ना। तो ऐसे है प्रिज्म ना, ऐसे है प्रिज्म, ए के ऊपर 1, ए बी सी डी, और ये 1 2 3 4, ऊपर से देखेंगे तो ए और 1, ए और 1 एक ही पे दिखेगा कि नहीं, तो ये दोनों एक ही पे दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए 1 बी 2 सी 3 और ये डी 4, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टर जाएगा, ये तो सेंटर हो गया, और ये सेंटर और ये बी और डी वाली लाइन सब एक ही पे जा रहा है, तो एक कंटिन्यूअस लाइन और एक सेंटर लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज होगा, तो ऊपर कौन सा हो जाएगा, ये बी डैश सी डैश सी डैश, और ये हाइट हो गया, ठीक है, और ये बी डी हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, 1 डैश, ये 2 डैश 4 डैश और ये 3 डैश। ये सेंटर वाली लाइन जो है, बताए थे कि सेंटर लाइन और कंटिन्यूअस लाइन एज एक ही पे आ रहा है, तो किसको दिखाएंगे, एज को दिखाएंगे, ना कि सेंटर लाइन को, ठीक है। अब इसको इंक्लाइन करना है दोस्त, तो जो हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे इसको फिर बना लेंगे, इसी को इंक्लाइन करना, ये एक्सिस है ना, यही तो एक्सिस है, एक्सिस इंक्लाइन होगा दैट मींस कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, देखिए ये तीनों क्या है, पैरेलल है कि नहीं, इसको इंक्लाइन कर दीजिए, कितने डिग्री से, कितना डिग्री दिया है, 45 डिग्री, ये प्रोटेक्टर से कहीं किसी भी पॉइंट में, इस पॉइंट से ही 45 डिग्री पे एक लाइन ले लीजिए, देखिए यहां ले लिए, ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर ये देखिए यहां पे इधर ले लिए, ये 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा, फिर ये जैसे लिए थे उसी तरह से इधर ले लीजिए, लगभग 90 डिग्री पे, लगभग क्या 90 डिग्री पे ही जाएगा, ये थोड़ा सा
शायद गलत जा रहा है, ये आगे आप सही, ठीक ना, ठीक ना। और एक्सिस सेंटर कहां पे, ये बी डी, ये कंपास का पॉइंट यहां रख करके ये आर्क मारिए कहां पे जा रहा है, और यही है ना, ठीक है। और इधर जो है ये आप एक्सिस दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्सिस हो गया और ये कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे। बच्चों का नामकरण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बच्चा कौन सा है, सी डैश, तभी तो ये कॉर्नर है, कॉर्नर के ऊपर का क्या है, थ्री डैश। ये कौन सा बच्चा है, टू डैश, फोर डैश। ये कौन सा है, बी डैश, डी डैश। ये क्या है, ए डैश, और ये वन डैश है या नहीं। ये जो है अब इसका प्रोजेक्टर गिरा देंगे, आप गिरा सकते हैं, और इधर से भी गिरा दिए, ठीक है, फिर इधर से गिरा दिए, ले गए हॉरिजॉन्टल। कौन भाई साहब कहां मिल रहे भाई बंधु, इन सभी को मिला दीजिए। देखिए ये क्या हो गया आपका, ए बी कहां पे है, बी, सी कहां है, सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया। ये ए बी सी डी, और ये क्या हो गया, सेंटर लाइन हो गया कि नहीं। उसी तरह से अब इनको मिला दीजिए, वन कहां पे है, वन और सी, वन थोड़ा सा इधर आ रहा है, कई बार वन और सी मर्ज करेगा, या आप एग्जैक्टली बनाएंगे तो ये तो प्रोसेस बता रहे हैं, हो सकता है कि आपसे हमारा फिगर थोड़ा डिफरेंट बन रहा हो, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री हैंड बना रहे हैं, आप साधन संसाधन स्केल प्रोटेक्टर सब कुछ लेकर के बनाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है दोस्त, ठीक है। तो ये वन हो गया, टू कहां पे है, देखिए ये क्या हो गया, टू, ये हो गया आपका फोर, और ये हो गया थ्री, ये फोर और ये फोर, ये थ्री और ये थ्री, और ये सबको मिला देंगे, ठीक है। और यही सेंटर वाली लाइन भी है, अब इन सबको मिला देंगे आप, ठीक है। ए को किससे मिलाते हैं, वन से, बी को टू से, सी को कहां है, सी यही है ना, सी को थ्री से, और डी को फोर से, ये डी को फोर से मिला सकते हैं, और ये ए को वन से, ठीक है ना, बस ये बन गया, ठीक ना। इसमें सेंटर ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर के ऊपर क्या है, ए जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हम फिगर बना लेंगे, लेकिन अब जो है जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो पोर्शन हमारा नहीं दिखेगा उसको हम नहीं दिखाएंगे, जो पोर्शन हमारा नहीं दिखता है उसको हिडन लाइन से दिखाते हैं। जैसे ये है, इसको आप देखेंगे, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन नहीं दिखेगा, ए बी सी डी वाले की बात करेंगे तो इधर ये तीनों एज आपका नहीं दिखेगा, ये ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है आप देखेंगे तो नहीं दिखेगा, तो इसको क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे, बस इतना सही काम करना है हमें। ये लाइन क्या हो जाएगा, हमारा डॉटेड हो जाएगा, बाद बाकी सबसे सही है। अब यहां तो हम चूंकि उससे बनाए हम मिटा दिए, आप पहले ही जो है थोड़ा सा दिमाग लगा करके पहले हल्का लाइन खींचना, उसके बाद डॉटेड बना लेना, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो हिडन होगा, हिडन मतलब जो है लेकिन दिख नहीं रहा है, किसी के भी घर में 10,000 रुपया लेकिन दिखता थोड़ी है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो चीज नहीं दिखता है, हिडन है, उसको हिडन लाइन से दिखाते हैं, ठीक है लेकिन नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा लेक्चर नंबर 154 में बेस एज वाला बताए थे कि जब एज रहेगा तो ये वाला स्क्वायर यहां बनेगा, और जब क्वेश्चन में कॉर्नर रहेगा तो ये वाला स्क्वायर बनेगा, ये वाला हेक्सागन बनेगा, तो कैसे बनेगा ये पूरा स्टेप बाय स्टेप करके हमने आपको बता दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आपको आया होगा, फिर मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो एक नए क्वेश्चन के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ आपको मिलेंगे, उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये 45 डिग्री टू एचपी मतलब एचपी से इंक्लाइंड था, कुछ क्वेश्चन होगा जब एचपी से भी इंक्लाइंड तो हो गया, अब ये वीपी से भी इंक्लाइंड है, जो यहाँ पे एक्सिस मिलेगा इसको यहाँ थर्ड स्टेप में हम करेंगे वीपी से इंक्लाइनेशन, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली बनाएंगे।
तब तक के लिए आपको धन्यवाद। इन वीडियोज को आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों कर भला तो हो भला, इसलिए दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।